आज हम सबका सौभाग्य है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आजमगढ़ की इस धरती पर हुआ है और आजमगढ़ हम सब जानते हैं आज से 10 साल पहले 7 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी उन विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज हम सब इस बारे में जानते हैं कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज आजमगढ़ के विकास की एक धुरी बन चुकी है, जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान देने का कार्य किया है। वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज आजमगढ़वासी जब यहां से राजधानी लखनऊ के लिए जाता है तो मात्र 2 घंटे की दूरी में वहां उन्हें लखनऊ पहुंचाने का कार्य करती है। आज गोरखपुर में आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आजमगढ़ के एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होने जा रहा है। एयरपोर्ट पे वायु सेवा इसके साथ ही प्रारंभ भी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश को 5 नए एयरपोर्ट आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त होने जा रहे हैं। इन 5ों एयरपोर्ट में वायु सेवा की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो, यह डबल इंजन सरकार ने प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, आज वह उत्तर प्रदेश और देश के अंदर देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं जिस उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट इससे पहले सक्रिय थे, क्रियाशील थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं और 5 नए एयरपोर्ट और आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन होने जा रहे हैं। और पूरे देश के अंदर ऐसे अन्य नए एयरपोर्ट भी आज उद्घाटन होने जा रहे हैं। कई वर्षों से मांग थी, कई दशकों से मांग थी आजमगढ़ का अपना एक विश्वविद्यालय भी हो, और आज से 1000 वर्ष पहले अपने सार और पराक्रम से विदेशी हुकूमतों की और विदेशी आक्रांतों की चूलों को हिलाने वाले महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बने विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आजमगढ़ इससे पहले डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ में आजमगढ़ की कला को एक नई पहचान देने के लिए हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। तो साथ ही साथ आज आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए
स्थानीय उत्पाद जिन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहचान दी है, ब्लैक पॉटरी या फिर मुबारकपुर की रेशमी साड़ी, इन सभी को भी पिछले 7 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा एक नई पहचान प्राप्त हो रही है। श्रमिकों के बच्चों के लिए भी जो सुविधा प्राप्त हुई है अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से, आजमगढ़ में वह भी बनकर के तैयार हुआ है। यानी जो आजमगढ़ पहले जहां के नाम से लोग भयभीत होते थे, आज वह आजमगढ़ अपनी कला के लिए, अपनी शिक्षा और साहित्यकारों के लिए, अपनी विकास की एक नई पहचान के लिए पूरे देश और दुनिया के अंदर पहचान बना रहा है। और यह सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण, जिसने आजमगढ़ को फिर से उसकी पुरातन पहचान को दिलाया है। और यही कार्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और यही पूरे देश के अंदर भी आज हर भारतवासी इस बात को स्वीकार करता है। एक नए भारत का दर्शन देश कर रहा है। आज प्रदेश के अंदर तमाम रेल की नई परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के भी एक नई सौगात प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। होली के पहले हजारों करोड़ रुपए की का उपहार उत्तर प्रदेशवासियों के लिए, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैं आपका प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज आजमगढ़ में हुआ है। आजमगढ़ काशी और गोरखपुर के बीच एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभरा है। आजमगढ़ को विकास की नींव महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से एक नई पहचान मिल सके, जो पिछले 10 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और पिछले 7 वर्ष के अंदर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के कारण ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी है, वह तो हुआ ही है। लोक कल्याण की तमाम अन्य योजनाओं को भी अकेले आजमगढ़ में हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, 11,30,000 आयुष्मान के कार्ड अकेले इस जनपद में बने हैं, किसान सम्मान निधि में 7.5 लाख किसानों को 1,940 करोड़ रुपए अब तक आजमगढ़ जनपद में प्राप्त हो चुके हैं, उज्ज्वला योजना में 3 लाख लाभार्थियों को निशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी प्राप्त हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 1,10,000 लाभार्थियों को और शहरी क्षेत्र में 17,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। तो जल जीवन मिशन में भी 4,20,000 से अधिक घरों को हर घर नल की योजना किसे जोड़ने का कार्य हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में 5,20,000 परिवारों को एक एक शौचालय प्राप्त हुआ है और आजमगढ़ जनपद के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित सभी योजनाओं को केंद्रित किया गया है, इसका भी उपहार यहां पर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आज बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, समाज के हर तबके को उपलब्ध करवा रही है। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नौजवानों की आजीविका की चिंता कर रही है तो आपकी आस्था को भी सम्मान देने का कार्य कर रही है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना रही है,
उस समृद्धि के मार्ग पर भी आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए जन जन से की आवाज आ रही है 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार की इस आवाज के साथ आजमगढ़, लालगंज और घोसी भी जुड़ेगा। इस आह्वान के साथ मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, आप सभी आजमगढ़ के बहनों और भाइयों की ओर से, मऊ जनपद के अपने बहनों और भाइयों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात आज देश को और उत्तर प्रदेश वासियों को देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।